हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित और ये आप वीडियो देख रहे हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, ये पिक्स पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टेक्नो फिएस्टा, और शेयर लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा भी पसंद आ रहा है, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर अपडेशन हमारे टेक्नो फिएस्टा का मिलता रहे। बहुत ही यूनिक वीडियोज, यूनिक पिक्स, यूनिक टैलेंट आपको इस टेक्नो फिएस्टा में देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक मैंने एक बहुत बढ़िया उत्तराखंड में मैंने एक यात्रा की, बहुत ही बड़े लेवल पे। और आपने सुना होगा चार धाम एक बद्रीनाथ की यात्रा कहलाता है वो, और कहीं ना कहीं मुझे जाने का मौका मिला। और लिटरली बता रहा हूँ, आज हमारे भारत की खूबसूरती देखने का मौका मिला। कुछ मैंने पर्सनल मोबाइल से, कैमरा से कुछ क्लिक किए, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हमारा भारत कितने सुंदर है। आज पूरी दुनिया में लोग जो बाहर जाते हैं, आज हमारे भारत में क्या खूबसूरती, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और हमारे बद्रीनाथ धाम की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं कुछ पिक्स। ये देखिए, ये हमारा बद्रीनाथ टेम्पल है, जो सबसे बेहतरीन टेम्पल आप देख रहे हैं। इसके पीछे पूरा हिमालय ग्लेशियर है। और बद्रीनाथ धाम जो आज चार धाम में बहुत ही बढ़िया धाम माना जाता है, ये आप उनकी खूबसूरती देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे नेचर से रिलेटेड देखने को मिली। ये देखिए, वहीं पे पास में एक बहुत ही बढ़िया प्लेस था जहां पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और ये जो आप पिक देख रहे हैं, इसका अगर वीडियो आप देखेंगे तो ये बहुत ही फोर्स में आता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जो फोर्स है वो आपको सुनाई देता है। ये देखिए, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है ये। अभी वहीं पे पास में आप देख सकते हैं हिमालय ग्लेशियर। ये मैंने थोड़ा जूम करके क्लिक किया कि देखिए किस तरीके से वहां पे बर्फ की चादर पूरी जमी हुई है पहाड़ के ऊपर। पूरा हिमालय ग्लेशियर है, चारों ओर से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैंने ये रियल क्लिक किया, पीछे से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ हमारा प्लेस। ये देखिए, आपने एक बहुत ही एक जानवर के बारे में सुना होगा जिसको पहाड़ी जगह पे पाया जाता है, ठंडी जगह पे, याक। याद है बचपन में अपन पढ़ते थे वाइफो याक, या ये वही याक है। मैंने रियल फर्स्ट टाइम देखा ये, और बहुत ही बढ़िया दृश्य था वहां पे। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा उत्तराखंड में जहां बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है, और भारत की आखिरी, हिंदुस्तान की देख सकते हैं, वहां पे अंतिम दुकानें लिखी हुई हैं। ये हिंदुस्तान की आखिरी दुकान कहलाती है सीमा की। ये देखिए, वहां पे आसपास का फोटो है। ये नीचे जो आप पिक्स देख रहे हैं, वहां पे तिब्बत और इंडिया सेना की वहां पे मिलिट्री कैंप लगे हुए हैं। ये देखिए, ये माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगा, ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है। यस, आप सही सुन रहे हैं, भारत की आखिरी चाय की दुकान। इस पहाड़ के पीछे चाइना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। यहाँ पे चाय पीने का खुद का एक अलग ही फीलिंग आपको आएगी। आप देख सकते हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान, मैं भी देख के शॉक हो गया था। पर लिटरली यहां से इंडिया बॉर्डर खत्म हो जाता है। आप देखेंगे वहां पे पास में ही सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है, ये नदी बहते बहते आगे गायब हो जाती है। बहुत सारी पौराणिक विशेषताएं हैं जो ऋषि मुनि बताया करते थे। ये देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, साइड में एक बहुत ही अच्छी नदी, अंगन नदी जी बह रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास के पहाड़ के दृश्य। ये देखिए, मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये है भारत का आखिरी गांव, देख लीजिए, इंडियाज लास्ट विलेज, जिसको हम माना गांव बोलते हैं। और ये गांव उसी बॉर्डर पे है, यहाँ के लोग मैक्सिमम तिब्बत के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। और सबसे खास बात है, यहाँ पे सिर्फ ये 6 महीने रहते हैं, और जैसी बर्फ की चादर ढक जाती है ठंड के मौसम में, ये लोग इस गांव से नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये गांव आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारा गांव का एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक अलग ही फीलिंग है आपकी। ये देखिए, बहुत सारे मैंने फोटोज, हम लोग वहां पे रिवर राफ्टिंग भी की। जब बद्रीनाथ से हम जा रहे थे, ऋषिकेश से हम जा रहे थे, तो ऋषिकेश में हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की, गंगा नदी में, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एंजॉयमेंट हुआ। ये आप देख सकते हैं, हम ऑन द वे जब बद्रीनाथ के लिए थे तो रास्ते में अलकनंदा नदी बहती है, उसके कई दृश्य हैं। ये देखिए, बद्रीनाथ विशाल का एंट्री गेट। ये देखिए, रिवर राफ्टिंग करते हुए बहुत सारे लोग, ये हमारी टीम। ये देखिए, बहुत सारे कैंप्स बने हुए थे वहां पे। ये देखिए, कई आश्रम वहां बने हुए हैं, अगर आपको वहां जाना है तो कई आश्रम की भी व्यवस्थाएं हैं जो वहां पे रुक सकते हैं। जब मैं वहां पे प्रेजेंट था तो वहां का डिग्री जो था -2 डिग्री सेल्सियस था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, एक ऐसा मैंने फोटो क्लिक किया माय डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पहाड़ बादल से छू रहा है, और बहुत ही अच्छा फील था वहां पे। ये देखिए, ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड। बस स्टैंड ही इतना खूबसूरत है कि पीछे आप ग्लेशियर देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे। और आपको अगर ये पिक्स पसंद आए, और भी फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टेक्नो फिएस्टा,
थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट का?